हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं इंडिजन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आप सभी को पता होगा इसका डे टू का सब्सक्रिप्शन क्लोज हो चुका है, कल है इसका लास्ट डेट, ठीक है, यानी कि 8th of May को। तो अगर जो आप ये वीडियो आज देख रहे हो यानी 7th May को या 8th May को, तो आप ये काम किए, हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल्ड में कि क्या इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं। लगातार ग्रे मार्केट में इसका डाउन होता दिख रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, मार्केट भी अभी डाउन है, तो करंट सिचुएशन में क्या इस आईपीओ में जाना सही है नहीं है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट में क्या है, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में साझा करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। सो गाइस, अपनी डिटेल को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप मिस कर रहे हो, ना जुड़ के आप देख सकते हो, यहां 95.160 पॉइंट का बढ़िया गेन देख सकते हो, शॉर्ट टर्म लेवल CDSL का, उसके पहले का 490 पॉइंट, 1400 पॉइंट तक का बढ़िया गेन, 900 पॉइंट तक का यहां देख सकते हो, IRFC में बढ़िया गेन, इसके पहले के आप कई सारे देख सकते हो। तो गाइस, आपको रेगुलरली इस तरह से स्टॉक्स की कॉल मिल जाती है, इंडेक्स की कॉल मिल जाती है, निफ्टी बेनिफिट के लेवल मिल जाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस, ऑडियो सपोर्ट और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नंबर 1 पे है, जरूर ज्वाइन करना। नंबर 2 पे न्यूज चैनल का, जहां पे आईपीओ के GMP सब्सक्रिप्शन, मार्केट की रिफाइंड न्यूज आती है, और 3 नंबर पे इंस्टाग्राम का काफी काम का है सारा, ठीक है। तो वापस आते हैं गाइस और हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिटेल इंडिजन आईपीओ की। आईपीओ 8th of May को क्लोज हो जाएगा, 9th of May को अलॉटमेंट, 13th of May को लिस्टिंग रहने वाली है। 452 का प्राइस बैंड है, 2 की फेस वैल्यू पे 1841.76 करोड़ का आईपीओ का साइज है, यानी कि बड़ा साइज है, 1500 करोड़ से ज्यादा का साइज है, ठीक है, जिसमें 760 फ्रेश इशू है और बचा हुआ OFS है, OFS यहां पे ज्यादा है, ठीक है। गाइस, रिटेलर्स के पोर्शन की बात करें, 35% रखा गया है, जिसमें 429,231 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, स्मॉल HNI में 4380 और बिग HNI में 8760 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। इसके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आप सभी को हमने डिटेल रिव्यू बताया है, सब कुछ यहां पे शॉर्ट नहीं बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर जो डिटेल रिव्यू नहीं देखा है तो अभी टाइम है, आप देख लो, उसके बाद डिसीजन बनाना काफी आसान होगा। 1998 से कंपनी बिजनेस कर रही है, मतलब 20 साल से ज्यादा का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, करीब 25-26 साल का, ठीक है। कंपनी लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के लिए काम करती है, ठीक है, और जो फाइनेंशियल डेटा है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि फाइनेंशियल डेटा भी बेहतर है, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत देने को मिल रही है। जो बोरोइंग है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, डेट टू रेशियो 0.3 का है, ROW 18 का है, यानी कि ठीक है, पैट मार्जिन भी 10+ का है, ये तो यहां भी जो डेटा है वो बढ़िया है, फेवरेबल है। पी रेशियो 37.78 का निकल के आ रहा है, लेकिन कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है मार्केट में, तो हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट स्लाइटली प्राइस बैंड थोड़ा महंगा है, ठीक है। अगर जो प्राइस बैंड 400 के आसपास का होता तो मुझे लगता है और बढ़िया यहां पे गेन के चांसेस होते हैं और कंफर्म लिस्टिंग इनके चांसेस भी बनते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहां पे जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब हमें इस आईपीओ में क्या करना चाहिए वो जानने के पहले आप सब्सक्रिप्शन डेटा देख लो, जो कि हमने न्यूज चैनल पे साझा कर दिया था, यही है न्यूज चैनल, 2 नंबर पे लिंक है इसका, ज्वाइन कर लो, नंबर 1 वाले चैनल के बारे में आपको बताई दिया। तो 7.43 टाइम होता हुआ दिखा है डे 2 पे, ठीक है। और आज के दिन मार्केट भी अगर जो आप देखोगे 7th को, तो मार्केट ने भी अच्छी खासी बुकिंग आती दिखी है। तो मार्केट जब गिरता हुआ दिखता है कभी भी किसी भी आईपीओ के लास्ट डे पे या सेकंड डे पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर होता है और लोग कहीं ना कहीं दूरी बनाते हैं किसी भी आईपीओ से, खासकर तब जब सेंटीमेंट्स पॉजिटिव ना हो या फिर तब जब मार्केट में अननेसेसरी की बुकिंग आए, और अभी जो माहौल इलेक्शन का है उसकी वजह से अनसर्टन थोड़ा सा मार्केट हुआ पड़ा है, ठीक है। ग्रे मार्केट पे में गिरने का रीजन और जो सब्सक्रिप्शन डेटा है बहुत अच्छा ना होने का रीजन यही है। फिर एक चीज आपको समझा दूं मैं यहाँ पे, कि जो ग्रे मार्केट प्रिम डाउन हो रहा है ना अभी, पहले तो करंट में GMP जो है वो आप जान लो, तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो GMP है वो तो 245 से 50 रुपए निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और अभी जो इसने लो बनाया था वो करीब 230-235 का बनाया, और जो हाई है वो 270 का है। तो जब भी कोई आईपीओ बढ़िया या अट्रैक्टिव लगता है, ग्रे मार्केट में जो लोग डी निकाल रहे होते हैं वो पहले लोअर प्राइस पे बाई कर लेते हैं, फिर बाद में ग्रे मार्केट में ही या कोई ऐसा बायर मिल जाता है सस्ते में थोड़ा सा, जैसे मान लो बाई कर लिया 200 रुपए के प्रीमियम पे, ठीक है, और 270 का हाई बना, अब 270 के हाई बनने के बाद 250 पे उन्होंने बेच दिया, ठीक है, तो 200 से 250 के बीच का फायदा उनका ग्रे मार्केट में ही हो गया। अभी लिस्टिंग होनी है, अलॉटमेंट मिलना है, वो सारा चक्कर खत्म, तो 50 रुपए का फायदा यही हो गया, ठीक है। अब यहां पे गेम क्या हुआ, 270 का हाई था, 250 पे मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई, जो GMP है वो 250 आ गया, और उसके बाद इस चक्कर में लोग थोड़ा सा पैनिक होकर 240 में 235 में भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक गेम भी चलता है, जब भी अच्छे आईपीओ होते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाएगी, खासकर मार्केट गिर रहा हो तो सेंटीमेंट थोड़े से और नेगेटिव हो जाते। तो यहां पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम डे बाय डे कम हुआ है वही एक रीजन है, दूसरा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और 230-35 का लो बनाया, वहां से थोड़ी सी रिकवरी भी कह सकते हो कि हुई है, तो यहां पे बहुत ज्यादा ऐसा फियर वाली बात नहीं है। हां, लेकिन अगर जो मार्केट
8 ऑफ मई को गिरता दिखता है और उसकी वजह से सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आईपीओ में छोटी मोटी लिस्टिंग के लिए तो जा सकता है, लेकिन अगर जो सेफ्टी पॉइंट चाहिए, जैसे कई लोग कमेंट भी करते हैं कुछ, आपको पता है हर जगह नेगेटिव लोग होते ही हैं, मैंने किसी आईपीओ में ये बोला था, बट गाइस आप अगर जो देखोगे तो मैं हर एक आईपीओ में सबसे पहली जो बात होती है वो होती है कैपिटल सेविंग की। ठीक है, सबसे पहली बात मैं करता हूं उन लोगों के लिए जिनका लो कैपिटल है, जो पहली बार मार्केट में आए हैं, पहला या दूसरा आईपीओ लगा रहे हैं, उनकी बात करता हूं मैं। बाकी जिनका एक्सपीरियंस हो गया है वो तो कर ही लेंगे, उनका पैसा अगर जो मान लो किसी ने कमा लिया है पीछे 20-30 हज़ार रुपए, 2-4 हज़ार रुपए डूब भी जाएगा तो उनका है कि भाई प्रॉफिट में से जा रहा है। बट जिनका पहली बार दूसरी बार आईपीओ है उनका तो भाई कैपिटल से जा रहा है ना, तो वो चीजें हम ध्यान रखते हैं। तो यहां पे गाइस अगर जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, हम सेफ्टी पॉइंट में देखना है, तो मुझे लगता है जो सब्सक्रिप्शन डेटा है साइज के हिसाब से 7.43 बढ़िया है, मतलब 9,619 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, लेकिन यहां पे एटलीस्ट 14-15 गुना तो हो ही जाना चाहिए। इससे ऊपर सब्सक्रिप्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। और मार्केट का सेंटीमेंट भी कैसा रहेगा वो भी। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जो करंट सेंटीमेंट है, अगर जो आप फियर में हो कि भाई मेरे को तो रिस्क नहीं लेना, एकदम से जीरो रिस्क लेना है, तो मुझे लगता है 1:30-2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद रुक के सब्सक्रिप्शन डेटा अच्छा हो जाता है तो अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो फिर अवॉइड कर सकते हो। मान लो इसमें अलॉटमेंट ना मिला, ये मान के चलो, ठीक है, मान लो अगर जो आपको लगता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, हाँ, लेकिन छोटी मोटी लिस्टिंग इनके यहाँ पे आसार हैं, किसी भी सिचुएशन में मार्केट क्रैश कर जाए या कोई बैड न्यूज आ जाए लिस्टिंग वाले दिन तो एक दिक्कत हो सकती है, तो उस कंडीशन में तो बड़े बड़े हाथी पिट जाते हैं, छोटे आईपीओ की बात क्या ही कहें, है ना। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में सब कुछ ठीक है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट इन्होंने मिला, एंकर लिस्ट अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, सारा डेटा अच्छा है, कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, एक प्रॉब्लम कह सकते हो, कंपैरिजन नहीं कर सकते। और एक चीज और, जो लोग मोनोपॉली कह रहे हैं इसको ना गाइस, मोनोपॉली सर मार्केट में लिस्टिंग के लिए है, मतलब कोई दूसरा लिस्टेड प्लेयर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में कोई दूसरा काम करता ही नहीं है, ठीक है। और यहां पे मैंने आपको डिटेल रिव्यू में एक चीज और बताई थी कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी लो है, तो ये भी एक दिक्कत है इसमें। तो सारी चीजें देखने के बाद छोटी मोटी लिस्टिंग गेन के लिए अगर जो कोई जाना चाहता है ठीक है, नहीं तो फिर सेफ्टी अगर जो चाहिए प्योरली कि भाई मैं सेफ ही प्ले करूंगा, तो मुझे लगता है 2:30 बजे के बाद ही डिसीजन लेना सही रहेगा। अगर जो आपको चाहिए फाइनल डिसीजन वीडियो, तो हम आपके लिए डालते हैं हर एक आईपीओ के लास्ट डे पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, कल आपको टाइम से वीडियो मिल जाएगी, और कमेंट करके बताना जरूर कि आपने अप्लाई कर दिया या नहीं किया है, ठीक है। तो यहां पे गाइस मैंने अपनी तरफ से सारी चीज बता दी है, बट क्या है आपका डिसीजन कमेंट करके बताना जरूर, साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, करते रहिए, थैंक यू वाचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीवन एंड बाय बाय फॉर नाउ।